नरेंद्र मोदी ने आज शुरू कर दी है फैले सभी देशवासियों के लिए, महिलाओं पुरुषों सभी देशवासियों के लिए सदस्यता अभियान। तो आज के इस वीडियो में जानकारी आपको देने वाले हैं कि सदस्यता अभियान क्या है, कौन सा अभियान सरकार चलाने जा रही है, इससे क्या फ़ायदा है, किसको क्या क्या फ़ायदा होगा, सारा कुछ लाइव वीडियो दिखाने वाले हैं। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। सदस्यता के लिए जाएंगे साथियों, ये सदस्यता कर्मकांड नहीं है। हमारे लिए सदस्यता है ना अपने परिवार का विस्तार है, हमारे परिवार में अगर किसी का जन्म होता है तो जितनी खुशी होती है, हमारे परिवार में शादी कर करके कोई बहू आती है तो परिवार के विस्तार का जो आनंद होता है वो आनंद बीजेपी में जो कोई नया सदस्य बनता है परिवार के विस्तार का आनंद होता है। और इसलिए ये सदस्यता अभियान आंकड़ों का खेल नहीं दोस्तों, कितने नंबर हम पार कर जाएंगे ये नहीं है। ये सदस्यता अभियान एक पूर्ण रूप से वैचारिक आंदोलन भी है और भावनात्मक आंदोलन भी है। और हमने संगठन की गाड़ी को उस पटरी पर दौड़ाना है जिसमें वैचारिक धार भी हो और भावनाओं से भरपूर भी हो, क्योंकि हमारी भावनाएं देशभक्ति से प्रेरित है। मां भारती के कल्याण के लिए 140 करोड़ देशवासियों के कल्याण के लिए ये जो सदस्यता अभियान होगा, संगठन की रचना होगी, बूथ कमेटियां बनेगी। पहले हम सदस्यता अभियान करते थे और अब सदस्यता अभियान करें कुछ चीजें हम नए तरीके से सोच सकते हैं क्या। जैसे ये जो सदस्यता अभियान होगा उसी समय जो संगठन की रचना होगी उसी कालखंड में विधानसभाओं में और लोकसभा में की रचना होगी, बूथ कमेटियां बनेगी। पहले हम सदस्यता अभियान करते थे और अब सदस्यता अभियान करें कुछ चीजें हम नए तरीके से सोच सकते हैं क्या। मैं ऐसे सभी लोगों को जोड़ूंगा जो मेरे पार्टी के इतने महत्वपूर्ण निर्णय में अधिकतम महिलाओं को विजयी बना करके एमएलए एमपी बना सके। उस ट्रोलिंग बूथ के अंदर मुझे इतनी मेंबरशिप का टारगेट है, मैं उसको करूंगा, हम प्रयास करें। आपने देखा होगा कि हमने एक बहुत बड़ा अमूलचूल परिवर्तन किया है। किसी समय हिंदुस्तान के आखिरी गांव के रूप में सीमावर्ती गांव जाने जाते थे और नेगेटिविटी का जन्म उस शब्दों में ही शुरू हो जाता था। पहला गांव है उसमें सबसे पहले मेंबरशिप का अभियान चलाए और पूरे के पूरे गांव को भारतीय जनता पार्टी का किला बना सकते हैं। और जो सीमा के आखिरी छोर पर बैठा हुआ वो गांव जब भारतीय जनता पार्टी का किला बनता है ना, तब वो भारत का किला अपने आप बन जाता है। तो मेरे लिए सदस्यता ये सिर्फ पार्टी का नंबर बढ़ाने के लिए नहीं, मेरी सदस्यता मेरे देश को मजबूत बनाने के लिए भी है। और इसलिए मैं उन गांवों को किला बना के छोड़ूंगा। इतने सालों के बाद भी पहुंच नहीं पाई थी।
हमने पीएम जनमन योजना बना करके स्पेशल एफर्ट शुरू किया है। वो पॉलिटिकल वोट बैंक उनकी ताकत नहीं है, तो ये बहुत छोटी संख्या में है, लेकिन साथियों अगर उंगली का नाखून भी पक जाता है ना तो पूरे शरीर में दर्द होता है। वो भी तो मेरा शरीर के हिस्से हैं, वो दुखी हो पीड़ित हो, मेरे देश में मुझे भी उसकी पीड़ा होती है। इस पीड़ा का अनुभव करते हैं तब जाकर के पीएम जनमन योजना जन्म लेती है। सरकार तो पहुंचेगी, रोड भी बन जाएंगे, बच्चों का स्कूल में एडमिशन भी हो जाएगा, लेकिन कमल कौन खिलाएगा? पक्का घर नहीं देखा था, जिनका कोई अता पता नहीं था, वो झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारते थे, वो फुटपाथ पे जिंदगी गुजारते थे, आज यहां तो कल वहां, ऐसा ही उनका बसेरा हुआ करता था। ऐसे 4 करोड़ परिवारों को हमने एड्रेस दिया है। और जब जिंदगी में घर का पता तय हो जाता है ना, तो मंजिल का पता भी अपने आप बनने लग जाता है। क्या उसको नहीं लगना चाहिए कि जिस कमल ने मेरे घर की दीवारें बनाई हैं, उस कमल को मैं अब दिल के अंदर जगह दे दूं, ये भाव उसके अंदर पैदा नहीं हो सकता है? और इसलिए मैंने कहा कि हमारे लिए ये हमारा जो परिवार का विस्तार है, वो विस्तार अपने आप को फैलाने का है, ऐसा नहीं है, अनेक लोगों को अपने आप में समाने का है, हमारे भीतर समाहित करना है, हमारे सुख दुख का साथी बनाना है। और तब जाकर के एक ऐसा भाजपा परिवार पूरे देश में निर्माण होता है जो रात के सपनों को पूरा करने के लिए एक कैटलिक एजेंट के रूप में बहुत बड़ी सेवा कर सकता है। और इसलिए साथियों, इस सदस्यता अभियान को एक पवित्र कार्य मान करके हमने करना चाहिए। और जब कोई व्यक्ति सदस्य बनता है ना, जैसे कोई नया बच्चा स्कूल जाता है तो माँ बाप कैसा माहौल बनाते हैं, तिलक करेंगे, मिठाई खिलाएंगे, अच्छे कपड़े पहनाएंगे, उसी भाव से सदस्य बनना चाहिए। और मुझे अच्छा लगा आज मुझे इस वातावरण में सदस्य बनने का मौका मिला। सामने वाला हमारे परिवार में जुड़ रहा है, मतलब हम बड़े गौरव अनुभव कर रहे हैं कि आप हमारे यहां आए। हमें ये भाव नहीं लाना चाहिए कि हमने उपकार किया है तो मैं मेंबर बना के, नहीं, आपने देश हित के लिए आगे आए हैं, हमारे लिए गौरव की बात है, आप हमारे एक साथी बन गए हैं जीवन में, इससे हमें और क्या धन्यता चाहिए। क्या हमारा दायित्व तो नहीं है कि 18 से 25 साल की एक पूरी पीढ़ी को टारगेट करके, प्लान करके भारतीय जनता पार्टी से जोड़े, ताकि उनको भी पता चले कि उनके माता पिता ने कितने बुरे दिन देखे थे, उनके माता पिता कितनी मुसीबतों से गुजरते थे। एक टेलीफोन का कनेक्शन लेने के लिए उनको एमएलए एमपी के घर में चक्कर काटने पड़ते थे, एक गैस का कनेक्शन लेने के लिए उनको सालों तक इंतजार करना पड़ता था, कभी बिजली का कनेक्शन नहीं मिल पाता था, अंधेरे में जिंदगी गुजर जाती थी, बच्चों के लिए पढ़ाई का प्रबंध नहीं था। 18 से 25 साल के उन हमारे देश के बेटे बेटियों ने अपने मां बाप की मुसीबतों से गुजरते थे, जिंदगी जीते थे, उससे वो अनभिज्ञ है। भारतीय
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का काम है कि उसको भारतीय जनता पार्टी में हमारा मेंबर बना करके, साथी बना करके, उसे हम कहां से कहां देश को ले गए ये आत्मविश्वास से भरने की जरूरत है। साथियों, 18 से 25 का उम्र का व्यक्ति मेरे लिए भाजपा के मतदाता जैसे सीमित स्वार्थी विचार से मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा। मेरे सामने 18-25 साल का उम्र का नौजवान, वो मेरे 2047 के सपने का सबसे बड़ी शक्ति का स्रोत है। 2047 में मेरा देश विकसित भारत बनेगा। आज जो 18-20-22-25 साल का नौजवान है, वो उस समय 50 साल का हुआ होगा, उसकी जीवनी की सबसे ऊर्जावान समय देश विकसित भारत की यात्रा में होगा। उस समय उसकी जीवन की यात्रा चलती होगी। एक इतना बढ़िया संयोग होगा कि उसका सामर्थ्य हमें विकसित भारत बनाने के सपने पूरे करने में काम आएगा। और इसलिए विकसित भारत के सपने पूरे करने के लिए जिस सामर्थ्य की मुझे जरूरत है, वो 18-25 साल का मेरा नौजवान है, उसे हमने इस विचार से जोड़ना है, नेशन फर्स्ट के लिए जीने के लिए जोड़ना है। हम सिर्फ चुनावी मशीन नहीं है, हम वो खाद पानी है जो देशवासियों को, सपनों को हम सींचा करते हैं। हम वो खाद पानी है जो अपने आप को खपा करके देश के सपनों को, संकल्प और संकल्प को सिद्धि तक ले जाने की यात्रा में अपने आप को डुबो देते हैं जी। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव, कुछ लोगों ने कह दिया है मशीन, ये तो चुनावी मशीन है भाजपा के पास, इससे बड़ा भाजपा का कोई अपमान नहीं हो सकता है। अरे, चुनाव जीतना ये तो मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं के निरंतर पुरुषार्थ और प्रयास के परिणाम, एक बाय प्रोडक्ट है। और इसलिए साथियों, हमें निरंतर नई पीढ़ियों को भी तैयार करना है। और एक बात मान के चलिए, जो ये सोचता है कोई आएगा तो मेरा क्या होगा, वो मान के चल रहे हैं कोई आएगा तो नहीं, लेकिन तुम जहां हो वहां से कहीं ऊपर जा नहीं सकते। जैसे जैसे नीचे तुम नए लोगों को लाते जाओगे, वैसे वैसे तुम ऊपर चले जाओगे। ऊपर जाने का तरीका यही है कि नीचे जितनी मजबूती देते हुए उतना ऊपर जाने की गारंटी पक्की हो जाती है। कुछ लोगों की मानसिकता रहती है, करे यार आए गया तो मेरा क्या होगा। जहां पर आपको मिनिमम वोट मिले हैं, सदस्यता अभियान वहीं शुरू करना चाहिए। दोस्तों, चुनौती को चुनौती देना, ये तो भारतीय जनता पार्टी की रगों में है।